हेलो नमस्कार वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग लास्ट वीडियोस में हम आइडियलिज्म के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का रियलिज्म दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब आप इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा अब हम रियलिज्म में क्या क्या पढ़ेंगे वो एक बार देख लेते हैं हम रियलिज्म में ये सारे के सारे चीज़ें पढ़ेंगे दूसरा हम लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी तो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाते है या नहीं कर पाते और दूसरी चीज जो है वो सब्जेक्टिव पेपर की आप अगर किसी थियरी एग्जाम में आपके रियलिज्म है टॉपिक में तो उसको आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं so, हम ऑफ रियलिज्म के बारे में बात करेंगे रियलिस्ट कौन कौन से हैं यानी कि एक्सपोनेंट्स ऑफ रियलिस्ट कौन है मेटाफिजिक्स एपिस्टमोलॉजी एक्सियोलॉजी की बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है रियलिज्म के एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू रियलिज्म करिकुलम कैसा होना चाहिए डिसिप्लिन में क्या होना चाहिए टीचर किस तरीके का होना चाहिए उसका बिहेव कैसा होना चाहिए मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या क्या होने चाहिए स्कूल के बारे में रियलिज्म का क्या कहना है और लिमिटेशंस क्या क्या है अगर हम लास्ट में बात करें कि रियलिज्म में ये ये कमियां रह गई हैं इनकी जो फिलोसफी है उसमें लास्ट में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं और आप उनको एम्प्लीफाई कर पा रहे हैं या नहीं कि आप ये जो थियोरी पढ़ रहे हैं हम उसके उसका कॉन्सेप्ट जान के आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं सबसे पहले हम रियलिज्म को देख लेते हैं एरिस्टोटल जो है उनको फादर ऑफ प्लेटो के स्टूडेंट्स थे से अलग आइडियोलॉजी है की, थे, और उनके ऑपोजिट जो है एरिस्टोटल क्या हो गए फादर ऑफ रियलिज्म और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या आइडिया है या फिलोसफी है वो बिल्कुल डिफरेंट है अपने टीचर से फादर ऑफ रियलिज्म और फादर ऑफ साइंटिफिक मैथड्स भी बहुत बार बोल दिया जाता है ऑपोजिट टू मॉडर्न और सब्जेक्टिव आइडियलिज्म ऑफ बर्कले एंड कांत अगर आपको फिर से थोड़ा सा ध्यान हो तो हमने आइडियलिज्म की वीडियो में फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म की बात की थी उसमें हमने मॉडर्न आइडियलिज्म की बात की थी जिसमें सब्जेक्टिव वर्ल्ड आया था सब्जेक्टिव आइडियलिज्म को सपोर्ट करते हैं मॉडर्न आइडियलिज्म वाले तो वो सब्जेक्टिविटी के ऑपोजिट है रियलिज्म ठीक है और वो मॉडर्न आइडियलिज्म किसने दिया था बर्कले और कांत कांत ने तो आइडियलिज्मिट कैसे है रियलिज्म रियलिज्म क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है आइडियलिज्म ये जो मॉडर्न आइडियलिज्म है ये सब्जेक्टिविटी की बात करता है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है दूसरा अगर आप एक वर्ड में चीजों को याद रखना चाह रहे हैं तो आइडियलिज्म से रिलेटेड आपको आइडिया वर्ड याद रखना है ऑब्वियसली और आइडिया idea, वो आइडियाज में फोकस करते हैं जो सोल है उस पर फोकस करते हैं माइंड स्प्रिट इन सब चीजों पे सत्यम शिवम सुंदरम पे फोकस करते हैं लेकिन रियलिस्ट जो हैं जो रियलिज्म की जो फिलोसफी है वो किसको सपोर्ट करती है मैटर को मटेरियल वर्ल्ड को ऑब्जेक्ट्स को तो वो उनके ऊपर फोकस करती है तो एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गए बिल्कुल वन डिग्री ऑपोजिट कि अगर आइडियलिज्म कुछ कह रहा है तो रियलिज्म उसका ऑपोजिट कह रहा है ठीक है जी वर्ल्ड इज अराउंड अस दैट इज वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट इज द रियल रादर देन आइडियाज यानी आइडियाज से ऊपर क्या मान रहे हैं ये वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट को मान रहे हैं कि जो भी है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ठीक है रियलिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव है एंड फैक्चुअल रादर देन नॉट बी ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव तो आइडियलिज्म में आइडियाज को सब्जेक्टिव बताया गया था कि हर किसी के अपने आइडियाज हो सकते हैं लेकिन रियलिज्म में रियलिटी को क्या मानते हैं ये ऑब्जेक्टिव मानते, है, मानते हैं फैक्चुअल मानते हैं ट्रू रियलिटी इज आउटसाइड द माइंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू आवर कंसेप्शन एंड परसेप्शन यानी कि जो एग्जैक्ट रियलिटी है रियल जो चीज़ों को ये मानते हैं ट्रुथ क्या है रियलिटी का तो वो क्या है वो आउटसाइड द माइंड है जबकि इनसाइड द माइंड की बात कौन करते हैं आइडियलिज्म बात करता है इट रिगार्ड्स द वर्ल्ड ऑफ फिजिकल रियालिटी एज ट्रूली फंडामेंटल थिंग इज एक्सपीरियंस यानी कि ये किसको फिजिकल रियालिटी को ट्रू मानते हैं और वो आप किस चीज़ के थ्रू देखेंगे एक्सपीरियंस के थ्रू देखेंगे ये रियलिस्ट हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए एरिस्टोटल तो ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि फादर ऑफ रियलिज्म है या फाउंडर बोल लीजिए फादर बोल लीजिए या फिर एक्सपोनेंट भी अगर पूछा जाए तो भी एरेस्टोटल का नाम हमेशा रहेगा जॉन मिल्टन लोक वाइट हेड जितने भी नाम हैं और इनमें इंडियन नेम आपको देखने को मिलेगा मुंशी प्रेमचंद तो ये आपको नाम ध्यान में आने चाहिए कई बार इनसे क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि इनमें से कौन रियलिस्ट नहीं है या कौन रियलिस्ट है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये मेजर मेजर जो आइडियलिस्ट या रियलिस्ट या जो भी हम फिलोसफीज पढ़ेंगे किस कौन किसको सपोर्ट करता है अब मेटाफिजिक्स की बात करें मेटाफिजिक्स में हम क्या बात करते हैं कि क्या चीज़ है एक्चुअल में तो रियलिटी जो है वो एक्सटर्नल है अकॉर्डिंग टू रियलिज्म एंड इट कैन बी वेरीफाइड रियलिटी इंडिपेंडेंट है माइंड के यानी रियलिटी डिपेंड नहीं करती माइंड के ऊपर और रियलिटी क्या है वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है ऑब्जेक्ट्स कंसिस्ट टू डायमेंशन जिसमें मैटर आएगा और फॉर्म यानी कि बॉडी और माइंड तो बॉडी और माइंड के इंटरेक्शन की बात भी कहीं तक ये करते हैं कि नॉलेज कैसे होगी नॉलेज का नॉलेज uh, कैसे जनरेट होगी तो नॉलेज जनरेट कैसे होगी वो बॉडी और माइंड के इंटरेक्शन से जनरेट होगी ऑब्जेक्ट को ये दो डायमेंशन में देखते हैं जैसे कि आइडियलिज्म में मोनिस्टिक वर्ल्ड की बात की गई थी कि वो सिर्फ आइडियाज के ऊपर फोकस करते हैं वैसे ही रियलिज्म में प्लुरिस्टिक वर्ल्ड के ऊपर बात की गई है जिसमें मटेरियल, आइडियाज एक्सपीरियंसेस सब चीजों को वो इंक्लूड कर रहे हैं एपिस्टेमोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी में है कि नॉलेज कैसे डिराइव होगी एक्सपीरियंस से और दूसरा नॉलेज कैसे जनरेट होगी जो ये मैटर और बॉडी था यानी सॉरी मैटर और फॉर्म या बॉडी और माइंड जो है उनके इंटरेक्शन से तो आपको ये ध्यान रखना है दूसरा ये साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर फोकस करते हैं तो यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स या फिर एक्सपेरिमेंट्स क्या करने के लिए नॉलेज को एक्वायर करने के लिए ये इनकी एपिस्टोमोलॉजी में आ जाता है एक्सियोलॉजी में ये बात करते हैं कि इट रियलिस्ट जो है या जो रियलिज्म है इट डिस्कवर वैल्यूज इन इमीडिएट सोशल लाइफ यानी कि वैल्यूज कहा से डिस्कवर होंगी आपकी आसपास की लाइफ से तो ये सोसाइटी को भी कही न कहीं ना कहीं अहमियत देते हैं बिहेवियर क्या है शुड बी सोशली एंड रैशनली एक्सेप्टेड यानी कि सोशल लेवल पे और लॉजिकल लेवल पे बिहेवियर जो है वो एक्सेप्ट उस तरीके से वो बिहेवियर को डिफाइन करते हैं या मानते हैं कि वो एक्सेप्टेड होना चाहिए तभी वो बिहेवियर है वैल्यूज़ क्या है वैल्यूज़ आर डिराइव फ्रॉम नेचर और वो क्या है एब्सोल्यूट हैं और एक्सटर्नल है तो so जो एक्सटर्नल है मिटिलिस्टिक वर्ल्ड है वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर ये फोकस करते हैं फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म बहुत सारी तीन चार फॉर्म्स होती हैं इनकी चार जिनमें से पहली है एरिस्टोटेलियन रियलिज्म यानी एरिस्टोटल किस तरीके के रियलिज्म को मानते हैं तो एरिस्टोटल इसको मानते हैं ठीक है अब क्योंकि कई बार जैसे हम ह्यूमेनिस्टिक रियलिज्म पढ़ेंगे तो उसके एक्सपोनेंट्स कौन कौन है तो एरिस्टोटेलियन रियलिज्म के एक्सपोनेंट हैं एरिस्टोटल उन्होंने ये दिया है अभी हमने बात की थी कि आइडिया या फॉर्म जो है वो दो चीज़ें होते हैं बेसिकली ये हमने अभी बॉडी और उसकी मैटर मैटर और फॉर्म की बात की थी तो जो आइडियाज या फॉर्म्स हैं वो मैटर के बिना रह सकते हैं ठीक है थीके? वो एग्जिस्ट कर सकते हैं लेकिन मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा फॉर्म के बिना ये बात ध्यान रखनी है कि नो मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट फॉर्म ईच पीस ऑफ मैटर हैज यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज और हर मैटर की अपनी एक यूनिवर्सल और पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं ये एरिस्टोटल का कहना है तो इस रियलिज्म की बात जो ये दो पॉइंट्स हैं इस रियलिज्म की बात अरिस्टोटल करते हैं नेक्स्ट है रिलीजियस रियलिज्म ये ये किसने दिया था थॉमस ने बात की थी और इन्होंने आइडिया किससे कनेक्ट किया था रियलिज्म का क्रिश्चियन रिवोल्यूशन से किया था एंड मेंटेन दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड ये उन्होंने माना था एंड आर बेस्ट थिंकिंग शुड अग्री विद द क्रिश्चियन टेनेट पॉइंट ये है कि ये मानते हैं जो रिलीजियस रियलिज्म वाले लोग हैं या जो थॉमस एक्वेनिस हैं वो बोलते हैं कि गॉड ने जो है क्रिएट किया है हमें गॉड गिव्स द मीनिंग एंड पर्पस टू द यूनिवर्स तो ये मानते हैं गॉड को बेसिकली एरिस्टोटल जो है उन्होंने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है लेकिन रिली रिलीजियस रियलिज्म जो कि थॉमस एक्वेनिस ने दिया है ये आपको ध्यान रखना है कि गॉड क्रिएटेड मैटर जो मैटर की बात हम कर रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव चीजों की बात हम कर रहे हैं या जो वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसकी बात कर रहे हैं तो वो किसने क्रिएट किया है वो गॉड ने क्रिएट किया है ये थॉमस एक्निस का कहना है फिर आते हैं फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म में नेक्स्ट ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म जिसको कौन सपोर्ट करता है रेबेलिस और जॉन मिल्टन इनका क्या कहना है ये एम्फिसाइज करते हैं जनरल ह्यूमन वेलफेयर पे जो कि एजुकेशन के थ्रू होगा ठीक है बाय सेइंग दैट ह्यूमन बीइंग्स आर द फंडामेंटल रियालिटीज इन मटीरियल वर्ल्ड कि जो मटीरियल वर्ल्ड है उसमें सबसे पहले रियालिटी क्या है ह्यूमन बींग्स हैं रियालिटीज ऑफ द मटीरियल ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी एग्जामिन इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रियालिटीज तो जो रियलिटी अभी इन्होंने फंडामेंटल रियलिटी बोल दिया ह्यूमन बींग को और ह्यूमन बींग के बेसिस पे ही यानी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रियालिटीज जो है आप क्या करेंगे बाकी ऑब्जेक्ट्स को मटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स को एग्जामिन करेंगे आपको समझ आए मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि जो मटीरियल वर्ल्ड है उसपे फोकस करता है रियलिज्म अब वो मटेरियल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीज या फिर सबसे ज्यादा फंडामेंटल रियलिटी किसको बोल रहे हैं ये ह्यूमन बीइंग को और ह्यूमन बीइंग को और ह्यूमन रियलिटी को ध्यान में रखते हुए ही आप एग्जामिन करेंगे बाकी जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में इन्होंने कोई भी प्लेज है वो लॉजिक के लिए ग्रामर के लिए या लिटरेचर के लिए करिकुलम में नहीं दिया है तो ये ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म ने नहीं दिया है ये ध्यान रखना है मॉडर्न रियलिज्म में कौन कौन सपोर्ट करता है फ्रांसिस बैकन और जॉन लॉक जो है वो मॉडर्न रियलिज्म को सपोर्ट करते हैं ये इंडक्टिव थिंकिंग की बात करते हैं तो इंडक्टिव थिंकिंग ऑफिशियली अगर बोला जाए या इंडक्टिव मैथड बोला जाए तो वो रियलिज्म में आएगा अगर मैथड्स ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया था मॉडर्न रियलिज्म में ये डिवेलप करते हैं सिस्टेमेटिक मैथड्स की कि किस तरीके से सोचा जा सकता है या फिर किस तरीके से ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज किया जा सकता है ठीक है और इंडक्शन इज द लॉजिक ऑफ अराइविंग एट जनरलाइजेशन कि आप किसी चीज के ऊपर इंड्यूस इंडक्शन मेथड जो है या जो इंडक्टिव थिंकिंग है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं किसी भी जनरलाइज थिंकिंग के ऊपर पहुंच सकते हैं ये इनका कहना है तो ये चार फॉर्म्स हैं इन चार फॉर्म्स में याद रखने लायक बात है कि आपको एरिस्टोटल रियलिज्म में एरिस्टोटल ध्यान रखना है रिलीजियस रियलिज्म में थॉमस एक्वेनिस ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म में किस बात का ध्यान रखना है कि इन्होंने लॉजिक ग्रामर और लिटरेचर को करिकुलम में कोई प्लेस नहीं दिया प्लस इन तीनों के नाम ध्यान रखने हैं मॉडर्न रियलिज्म में भी फ्रांसिस बैकन और जॉन लोक प्लस इंडक्टिव थिंकिंग की मॉडर्न रियलिज्म बात करता है फिर आते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की ओवरऑल क्या प्रिंसिपल्स हैं रियलिज्म की सो so ऑब्वियसली ये मटेरियल वर्ल्ड बॉडी ऑब्जेक्ट इन चीज़ों में बिलीव करते हैं माइंड में ये बिलीव नहीं करते बेसिकली माइंड यानी कि जो सोल स्प्रिट जो आइडियाज जिनकी बात आइडियलिज्म में की गई थी उनकी बात नहीं करते बिलीव इन इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट दोनों डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं साइंटिफिक एटीट्यूड कैसे डेवलप होगा और एक्सपेरिमेंट्स पे फोकस करना यानी कि कर करके सीखने वाली चीज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है वो क्या है यूनिवर्सल है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी हैं कि आप साइंटिफिकली किसी चीज़ को प्रूव कर रहे हैं तो उसको माना ही जाएगा तो साइंटिफिक एटीट्यूड की ये बात करते हैं और जो बियॉन्ड नेचर वाली चीज़ थी कि स्पिरिचुअलिज्म या फिर जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम या फिर कि एक नेचर एग्जिस्ट करता है तो उसको ये रिजेक्ट करते हैं कि बियॉन्ड नेचर क्या है कुछ नहीं है इनका मानना है रियलिज्म इज लाइक रियलिस्ट चीजें जो आसपास हैं जो ऑब्जेक्ट है मटीरियल वर्ल्ड है वो रियल है वो इनका फंडामेंटल प्रिंसिपल है प्लोरिस्टिक कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करते हैं यानी कि ये बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं जैसे मोनिस्टिक यानी कि वो सिर्फ आइडिया के बारे में बात कर रहे थे रियलिस्टिक वर्ल्ड में सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं नॉलेज इज जनरेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड माइंड हमने दो चीजों की अभी बात की थी कि मैटर और माइंड जो है दो डायमेंशन किसी भी ऑब्जेक्ट के बताए गए हैं तो जब इन दोनों का इंटरेक्शन होगा तब नॉलेज जनरेट होती है बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर वैल्यूड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल पे फोकस किया गया है या सिर्फ सोसाइटी पे फोकस किया गया है इन्होंने दोनों पे इक्वली फोकस किया है एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि प्रिपेयर करे आपको लाइफ के लिए सो प्रिपरेशन फॉर लाइफ लाइफ में भी ये रियल और हैप्पी लाइफ की बात कर रहे हैं ठीक है फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट की ये बात कर रहे हैं या इनका कहना है कि फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट सेंसेस का डेवलपमेंट होना चाहिए और ये सब चीजें कैसे होंगी ये अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंसेस से होंगी ठीक है इन्होंने इनकी जब एम की बात आती है तो कोई जनरल या कॉमन एम सेट नहीं किया है इनका कहना है कि हर एक इंडिविजुअल के अपने स्पेसिफिक एम्स होते हैं ठीक है स्पेसिफिक प्रस्पेक्टिव होगा स्पेसिफिक एम्स होंगे और उन्हीं को वो क्या करते हैं फिर कंप्लीट करते हैं बाकी ये ज करते हैं साइंटिफिक टेंडेंसीज़ पे और एक्सपेरिमेंटेशन पे ताकि दूसरा जब आप कोई चीज सिखा रहे हैं तो आप उसको प्रैक्टिकल ये। तो ये उसको इंपॉर्टेंट मानते हैं एजुकेशन शुड प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ बोथ सोसाइटी एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जैसे बताया था ना इन्होंने इंडिविजुअल और सोसाइटी uh, दोनों पे फोकस किया है तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि नॉलेज प्रोवाइड करे किसके बारे में सोसाइटी और एक्सटर्नल वर्ल्ड दोनों के बारे में इंपार्टिंग वोकेशनल एजुकेशन तो वोकेशनल एजुकेशन को भी ये सपोर्ट करते हैं दूसरा अगर आपने एक कोर्ट सुना हो तो पैसेमिस्ट कंप्लेन अबाउट द विंड द ऑप्टेमिस्ट एक्सेप्ट इट टू चेंज

क्योंकि जो चीजें चेंज हो सकते हैं तो उनके हिसाब से हमें हो सकता है कल को करिकुलम चेंज करना पड़ जाए तो यूटिलिटी और नीड्स के अकॉर्डिंग करिकुलम होगा करिकुलम में ये मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट की बात करते हैं और जब हम मास्टरी वर्ड बोल रहे हैं तो सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर देना की बात नहीं कर रहे हैं ये ये बात करते हैं कि मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मतलब आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं कोई भी चीज आपको आप सीख रहे हैं तो उसकी एप्लीकेशन नॉलेज आपको होनी चाहिए प्लानिंग डिसीजन मेकिंग या फिर एग्जीक्यूटिव कोई कैसे होंगे सो so, मास्टरी मतलब आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं ठीक है तो ये बात ध्यान रखनी है कि मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट का मतलब सिर्फ रोट मेमोराइजेशन या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को दे देना नहीं है सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू डे टू डे लाइफ आर इंक्लूडेड यानी कि आप डे टू डे लाइफ में जो चीजें आपके इस्तेमाल में आए कैसे आपको वो सिखानी है वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड करने हैं यानी कि जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं उसमें प्लस जो आप डेली लाइफ में फील कर रहे हैं एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए सो so गैप नहीं होगा व्हाट इज लर्नड इन स्कूल एंड व्हाट इज एक्चुअली देयर इन डेली लाइफ कि डेली लाइफ में जो चीज़ें हैं वो और जो स्कूल में सिखाया जा रहा है सो so वो गैप नहीं होना चाहिए ऐसा रियलिज्म का कहना है करिकुलम शुड बी साइंटिफिकली अप्रोच स्टैंडर्डाइज डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन बेस्ड बेसिकली जहां पे भी साइंटिफिक चीजों की बात आई साइंटिफिक एटीट्यूड की बात आए तो वो रियलिज्म में बात की गई है तो करिकुलम जो है वो भी साइंटिफिक अप्रोच से ही प्रिपेयर होना चाहिए स्टैंडर्ड होना चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स ये इंक्लूड करते हैं नेचुरल साइंस बायोलॉजिकल साइंस मैथ मैथमेटिक्स जोग्राफी हिस्ट्री एस्ट्रोनॉमी ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ये इंक्लूड करते हैं प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बात करते हैं ऑब्वियसली ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि प्रैक्टिकल आस्पेक्ट की बात करते हैं

अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग काम करने को ही ये डिसिप्लिन मानते हैं पर्पज़ क्या होगा डिसिप्लिन का इज टू मेक द पीपल सबमिट हिमसेल्फ टू द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड अल्टीमेटली हर चीज घुमा फिरा के आपको फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट दिखाई जाएगी जब रियलिज्म की बात आएगी पनिशमेंट को ये सपोर्ट नहीं करते Although इनका कहना है कि कोई पनिशमेंट के बाद आप डिसिप्लिन फॉलो करवा रहे हैं वो चीज़ को ये जो है फेवर नहीं करते सो देयर शुड बी नो पनिशमेंट टू मेंटेन नो पनिशमेंट टू मेंटेन द डिसिप्लिन कि आपको ऐसा ही करना है वरना आपको पनिशमेंट मिलेगी उस चीज के फेवर में ये नहीं है सो द एडवोकेट डिसिप्लिन बाय प्रोवाइडिंग अ गुड फिजिकल एनवायरनमेंट यानी अच्छा फिजिकल एनवायरनमेंट होगा उसी में क्या होगा अच्छा डिसिप्लिन जो है वो बच्चे फॉलो कर पाएंगे ये हुआ डिसिप्लिन रियलिज्म से रिलेटेड अब आते हैं टीचर तो टीचर क्या करेगा जो रियलिटीज हैं संसार की वर्ल्ड की उन रियलिटीज से बच्चे को क्या करवाएगा वाकिफ करवाएगा सो टीचर ब्रिंग्स द चाइल्ड इन टच विद रियलिटीज ऑफ लाइफ सो हिज रोल इज सुप्रीम सो ऑब्वियसली उनका रोल सुप्रीम हो जाता है टीचर का टीचर इम्पार्ट साइंटिफिक नॉलेज टू द चाइल्ड किसमें ईजी और इफेक्टिव वे में वो साइंटिफिक नॉलेज कैसे दे पाएंगे बच्चे को वो एक बड़ा काम हो जाता है टू इम्पार्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स तो अच्छी सही बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना ये टीचर का काम है टीचर जो है वो रियलिटी सबसे मेजर चीज अगर पूछी जाए तो टीचर बच्चों को रियलिटी से क्या करवाएगा कनेक्ट करवाएगा रियलिटी से एक्सपोजर देगा उनको और रियलिटी से वाकिफ करवाएगा मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो ये सोक्रेटिक मेथड में बिलीव करते हैं सोक्रेटिक मेथड हमने लास्ट में भी बताया था कि जो क्वेश्चन आंसर है डिस्कशन है वो सारे किस में आते हैं सोक्रेटिक मेथड में <clears throat> तो ये लेक्चर्स को डिसीजन को सिंपोजियम को या सिंपोजिया बोल लेते हैं उन पे फोकस करते हैं जब मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात आती है टीचिंग methods फोकस ऑन mastery ऑफ फैक्ट्स एंड बेसिक स्किल्स through demonstration एंड recitation इंडक्टिव method क्योंकि इंडक्टिव थिंकिंग की भी बात की है इन्होंने ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं वो सेंसरी पावर डेवलप करने के लिए बच्चों के लिए सही रहती हैं इन्होंने शुरुआती जो स्टेज है अर्ली स्टेजेस हैं उसमें मेमोराइजेशन का या जो आप याद करते हैं चीजें उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था ये बात ध्यान रखने की स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल को ये एक सोशली वेल प्लान्ड इंस्टीट्यूशन मानते हैं जो कि सोसाइटी का बिल्कुल मिरर होगा क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और जो सोसाइटी में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसमें डिफरेंस तो ये मान ही नहीं रहे कि वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए तो स्कूल क्या हो गया एक मिरर हो गया सोसाइटी का और एक एजेंसी होगी स्कूल जो कि प्रोवाइड करेगी एजुकेशन प्लस जो बच्चे की और सोसाइटी की नीड्स को जो है क्या करेगी फुलफिल करेगी तो ये स्कूल के बारे में इनके व्यू हैं। लिमिटेशन की अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं मटीरियल वर्ल्ड के ऊपर और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हैं रियलिज्म जो इटर्नल वैल्यूज है स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसको नहीं मानता और उसके बिना

पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोमोटेड बाय द रियलिज्म क्या चीज इनमें से रियलिज्म प्रोमोट करता है पहला है एम्पेरिकल ट्रूथ साइंटिफिक ट्रूथ कॉग्निटिव नॉलेज ऑल ऑफ द वो ऐसे क्वेश्चन में हम यूजुअली जब हमें नहीं पता हो हम ऑल ऑफ द वो लगा देते हैं बट रियलिज्म किसको सपोर्ट करता है साइंटिफिक ट्रूथ को फिर आता है हु बिलीव दैट द ऑब्जेक्ट अ रियालिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मेंटल फिनोमिना यानी कि रियालिटी एग्जिस्ट करती है मेंटल फिनोमिना के परे भी इंडिपेंडेंट है उससे तो ये कौन बात करते हैं आइडियलिस्ट रियलिस्ट नेचुरलिस्ट और एग्जिस्टेंशियलिस्ट तो ये कौन बात करते हैं रियलिस्ट बात करते हैं हमने अभी पूरी वीडियो में यही पढ़ा फिर आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस में द स्कूल शुड फोकस ऑन द टीचिंग ऑफ कॉन्टेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द प्योर यानी प्योर साइंस से जो ड्राइव की गई हैं चीजें उनको पढ़ाया जाना चाहिए इस चीज पे कौन कौन फोकस करता है कौन सा स्कूल ऑफ फिलोसफी तो आइडियलिस्ट रियलिस्ट नेचुरलिस्ट एग्जिस्टेंशियलिस्ट तो रियलिस्ट इस बात पे फोकस करते हैं कि जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा वो साइंटिफिक चीजों से रिलेटेड हो उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रियलिस्ट आइडियोलॉजी या फिर इनमें से कौन सा रियलिस्ट नहीं है अगर आपने वो जो हमने शुरू में अगर उस स्लाइड को थोड़ा भी ध्यान से एक बार भी रीडिंग ली होगी या देखा होगा तो हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो रियलिस्ट हैं जो है वो भी रियलिस्ट हैं और जी ई मूरे जो है वो भी रियलिस्ट हैं तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा हेनरी बर्गसन तो ये ध्यान रखना है बर्गसन जो है वो रियलिस्ट नहीं है फिर है रियलिज्म व्यूज नॉलेज एज जनरेटेड बायलिज्मी मैटर ओनलींटरेक्शन ऑफ माइंड एंड मैटर एंड रियालिटी सो अगर आपने देखा हो तो हमने पढ़ा था कि नॉलेज जो है वो इंटरैक्शन से मिलती है हमें मैटर और माइंड के क्योंकि जब ऑब्जेक्ट की बात आई थी तो ऑब्जेक्ट को दो डायमेंशन में देखा था हमने एक मैटर और एक माइंड में और जब मैटर और माइंड इंटरेक्ट करेंगे तब नॉलेज क्रिएट होगी फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट्स द साइंटिफिक प्रोग्रेस तो साइंटिफिक प्रोग्रेस को कौन सपोर्ट करता है रियलिस्ट एजुकेशन सपोर्ट करती है फिर आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड फॉर अ टीचर अकॉर्डिंग टू रियलिज्म इन एजुकेशन यानी एक टीचर के जो रियलिस्ट टीचर है बेसिकली तो रियलिज्म के अकॉर्डिंग टीचर को क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए टीचर को मेथड ऑफ टीचिंग ध्यान में रखना चाहिए वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट इज टॉट की उसका एक्चुअल में वैल्यू क्या है जो चीज आप पढ़ा रहे हैं उसके एप्लीकेशन क्या है फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है सो so, वो पता होने चाहिए नेचर पता होना चाहिए चाइल्ड का या फिर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट की उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है या कैसे किया गया है उसको वो पढ़ाया जाना चाहिए तो क्या पता होना चाहिए इसमें तो आंसर हो जाएगा तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है प्रैक्टिकल यूटिलिटी साइंटिफिक चीजें इन चीज इन सब चीजों पे फोकस करता है ना रियलिज्म तो ये बात आपको ध्यान रखनी है सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिटिसाइज बाई एजुकेशन तो एजुकेशन में क्या चीज रियलिज्म में Criticize नहीं की गई है तो ये जो नहीं वाले जो वर्ड होते हैं ये आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट है टीचर्स डिनाइंग द वैल्यू ऑफ स्कूल को करिकुलर एक्टिविटीज यानी कि टीचर जब डिनाई कर रहे हैं कि स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए तो ये बात तो ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करने की है तो तो इन्होंने इन्होंने प्रलटिलिटी की लाइफ से कनेक्ट करने की बात की है तो इन्होंने क्रैमिंग की बात तो कहीं नहीं की हाँ इन्होंने अर्ली स्टेज में मेमोराइजेशन की बात की है लेकिन एग्जाम में जाके रिप्रोड्यूस कर दे हम उस तरीके से तो इन्होंने बात नहीं की है फिर है ऑर्गेनाइजिंग स्कूल्स इन अ वे दैट इज कंडक्टिव टू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन सिटीजनशिप यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल आस्पेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे तो ये बात कहीं ना कहीं इन्होंने कही थी नेक्स्ट है टीचिंग ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द लाइफ ऑफ द चाइल्ड की टीचिंग जो है वो उसको लाइफ जो बच्चे की लाइफ है वो और टीचिंग दूर दूर होने चाहिए ऐसा तो इसको भी क्रिटिसाइज किया इन्होंने इनका कहना है कि जो डेली लाइफ है उससे रिलेट करनी चाहिए जो टीचिंग है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी क्योंकि इसको इन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया है जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसको अब हजले जो हैं वो बोलते हैं कि एक कंप्लीट एंड थोड़ा साइंटिफिक कल्चर होना चाहिए स्कूल में तो अगर ये चीज़ वो बोल रहे हैं तो वो क्या हो सकते हैं क्या क्ले मतलब ही क्लेम्ब्ड टू बी क्या होने चाहिए वो आइडियलिस्ट होने चाहिए रियलिस्ट या प्रेगमेटिस्ट या नेचुरलिस्ट सो ऑब्वियसली जब आप साइंटिफिक कल्चर को क्लास में इंक्लूड करना चाह रहे हैं स्कूल में इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो आप क्या हैं रियलिस्ट हैं तो हगजले क्या हैं एक रियलिस्ट हैं नेक्स्ट है व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ रियलिज्म रियलिज्म की अल्टीमेट रियलिटी क्या है जैसे आइडियलिज्म की ideas, तो की अल्टीमेट रियलिटी है है आइडियाज तो रियलिज्म क्या ऑप्शन ए है थॉट्स फीलिंग्स सोशल रिलेशंस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड तो इनकी अल्टीमेट रियलिटी है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड और आइडियाज को तो ये मानते ही नहीं है फिर है द रियलिस्ट एम ऑफ एजुकेशन इज क्या एम ऑफ एजुकेशन है रियलिस्ट का सेल्फ रियलाइजेशन या फिर स्पिरिचुअल या मॉरल डेवलपमेंट हैप्पी एंड मोरल डेवलपमेंट टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेल्फ रियलाइजेशन की बात तो ये नहीं करते हैं तो ये तो गलत हो गया स्पिरिचुअल <coughs> और मोरल स्पिरिचुअल की बात नहीं करते हैं मोरल की बात तो फिर भी कर लेते हैं हैप्पी एंड मोरल डेवलपमेंट हो सकता है टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी इन्होंने कहीं बात नहीं कही है तो ऑप्शन हो जाएगा सी फिर आता है रियलिज्म इन एजुकेशन वॉज बोर्न आउट ऑफ कि रियलिज्म एजुकेशन में कहाँ से आया सो एन एंथ्यूजियाज्म ऑफ द रेनेसेंस द ग्रेट रिलीजियस मूवमेंट हुआ सत्रह से सत्तरवीं सेंचुरी में तब जाके रियलिज्म आया डी जनरेशन ऑफ ह्यूमैनिज्म आफ्टर रिय रेनेसेंस अ बिटवीन द वर्क ऑफ स्कूल एंड द लाइफ ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड दैट अकर्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी यानी 19th सेंचुरी में जो एक क्लीवेज हुआ यानी कि वर्क जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और जो लाइफ है आउटसाइड की उनमें बहुत गैप होने लग गया ना उस वजह से क्या आया रियलिज्म जो कि ये बोलते हैं कि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो और जो रियल लाइफ है वो कनेक्टेड होनी चाहिए तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग